अक्षरा क्रमाम लोन कंकुड़ा अन्नी रंगालालो अंसालालो अग्र गामुलैना आंध्र प्रदेश प्रजालाकु शुभकांक्षलु पद्मभूषण दलित रत्नम कवि कोकिला गुर्रम जसुवा जन्मिन चीना गुटूर जिला प्रजालाकु नमस्कारम महाकवि टिक्कन्ना जन्मिचिना गुंटूरु का मारियु गुटूर प्रजालाकु नमस्कारम आप सभी जितनी संख्या में इस उत्साह से यहां जुटे हैं वो अभिभूत करने वाला है। आपके इस प्यार को मैं अपने सर आंखों पर लेता हूं। आपका यही प्यार यही स्नेह मुझे निरंतर आपके लिए काम करने की प्रेरणा देता है। साथियों, गुंटूर के आप सभी जन राष्ट्र निर्माण के प्रहरी है और उद्यम की ऊर्जा से भरपूर है। मैं आज यहां से महान स्वातंत्र सेनानी बाबीलाला गोपाला कृष्णय्या नयुदम्मा जैसी गुंटूर की सभी विभूतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, गुंटूर में ही अमरावती है जो सदियों से भारतीयों की आस्था और भारत के अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रही है। अब तो अमरावती नए आंध्र प्रदेश और नए भारत की भी ऊर्जा का केंद्र बन रही है। केंद्र सरकार ने भी अमरावती को हृदय योजना के तहत हेरिटेज सिटी के रूप में चयनित किया है ताकि यहां के पौराणिक महत्व के संस्थानों को संरक्षित और विकसित किया जा सके। ये स्थान आंध्र का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, जहां जगह जगह से युवा अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। मैं यहां के नौजवानों और विशेषकर इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग देश सेवा के अनेक माध्यमों को चुनते हैं और हर रास्ते पर समर्पित भाव से कार्य करते करते देश सेवा का संतोष लेते हैं। देश सेवा के अनेक मार्ग हैं, अनेक माध्यम हैं। उन सब मार्ग और माध्यमों में सरकार भी एक माध्यम है। जिनके पास सरकार की जिम्मेवारी है वो उस माध्यम से देश सेवा कर रहे हैं और जिनके पास सरकार की जिम्मेवारी नहीं है ऐसे लाखों कार्यकर्ता अपने अपनी पद्धति से देश सेवा समाज सेवा में कभी पीछे नहीं हटते हैं। मानो గుర్తించవలసినటువంటి విషయం ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో ప్రజా సేవకి సేవ చేసేటువంటి ఒక మాధ్యమంగా మనం గుర్తించాలి అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి। ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో మనం ప్రజా సేవ చేయడానికి అనేక మాధ్యమాలు ఉంటాయి। దానిలో ఒక మాధ్యమం అధికారంలోకి రావడం కనుక ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా మనం ప్రజా సేవ చేసే దిశగా మనం అడుగులు వేయాలి। అయితే ఎవరికైతే పదవులు లేవో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలుగా ఉన్నారో వారు సైతం గుర్తించవలసినటువంటి విషయం వారి వారి పరిధిలో శక్తి వంచన లేకుండా వారు సైతం సమాజ సేవ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి। कुछ लोग चुनाव परिणामों के प्रभाव से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये उनकी मजबूरी है। हम
हमारे लिए चुनाव का अध्याय समाप्त हो चुका है। हमारे लिए तो 130 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का यह अध्याय प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली में भी एक मजबूत सरकार देशवासियों ने बनाई है और आंध्र प्रदेश ने भी श्रीमान जगन रेड्डी जी की सरकार को बनाया है। मैं जगन रेड्डी जी को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और वे भी अपने सपनों के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार आंध्र को आगे बढ़ाने में पीछे पानी नहीं करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आंध्र के लोगों को कि भारत सरकार आंध्र के नागरिकों की भलाई के लिए, आंध्र के विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर के आपके साथ खड़ी रहेगी। ఎన్నికలు అయిపోయాయి, ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి, అయినా కూడా చాలా మంది నాయకులు పార్టీలు నేటికి సైతం ఆ ఎన్నికల ఫలితాల యొక్క ప్రభావం నుండి బయటికి రాలేకపోతున్నారు। అయితే భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్క శ్వాస ప్రజా సేవకి అంకితమైనటువంటి సందర్భంలో కేంద్రంలో సైతం ప్రజలు ఒక సుస్థిరమైనటువంటి ప్రభుత్వానికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో మా యొక్క లక్ష్యం సంకల్పం ప్రజా సేవకి పెద్దపీట వేస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం మాత్రమే అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సైతం జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు, వారికి నా అభినందనలు తెలుపుతూ ప్రజా సంక్షేమ ప్రజా హిత పాలనని ప్రజలకు అందివ్వాలి అని చెప్పి వారికి నేను తెలియజేస్తున్నాను। అదే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడూ కూడా కట్టుబడి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఏ విధంగానైనా ఏ రకంగా కావాలన్నా ఆ రకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందించడానికి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాము। ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంత సంభావనాల ప్రదేశ్ హై, ఖేతీ సే లేకర్ కే విజ్ఞాన్ తక్, इनोवेशन से लेकर के स्टार्टअप तक अनेक क्षेत्रों में आंध्र एक नए आंध्र की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और हम जब नए भारत की कल्पना लेकर के चलते हैं तब हर राज्य भी नए सपने, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े और उसी प्रकार से हमारा आंध्र भी आगे बढ़े और तब जाकर के हम नया भारत का निर्माण कर पाएंगे। और इसलिए सबका साथ सबका विकास, जिसमें राज्यों का भी साथ, जन सामान्य का भी साथ और राज्यों का भी विकास, जन सामान्य का भी विकास, इस संकल्प को हम चरितार्थ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आंध्र राष्ट्र प्रजलु विज्ञावंतुलु, अदे विधंगा वारु चाला मुंदुकु అడుగు ముందుకు వేసేటువంటి సాహసం చేయగలిగినటువంటి వారు। మరి వారిని చూసినట్లయితే రైతుల దగ్గర నుండి శాస్త్రవేత్తల దాకా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు। స్టార్టప్ నుండి టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం। ఆ సందర్భంలో మనమంతరం కూడా ప్రత్యేకించి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉంటూ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయంలో ఏ మాత్రం వెనుకడుగు వేయబోదు। జో లోగ్ చునావ్ మే అలగ్ విచార్ రక్తే థే, అబ్ చునావ్ సమాప్త హోనే కే బాద్ చర్చా యే కర్ రహే హై కి దేశ్ మే అపేక్షాయే ఆకాంక్షాయే బహుత్ బఢ్ గయీ హై, मोदी क्या कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि देश के सामान्य मनवी में अपेक्षाएं बढ़े, आकांक्षाएं बढ़े, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, अवसरों की तलाश हो, वो देश की प्रगति के लिए एक उत्तम अवसर माना जाना चाहिए। और आज देश में, राज्यों में, इलाकों में, तहसील में जो नई नई आकांक्षाएं जग रही है उसे मैं भारत का सौभाग्य मानता हूं, उज्जवल भविष्य की गारंटी मानता हूं। ఎన్నికల సందర్భంలో వేరు వేరు ఆలోచన విధానాలు ఉన్నటువంటి వారందరూ సైతం ఇవాళ ఆలోచనలో పడ్డారు। నిజంగా ఇంత పెద్ద
ఆధిక్యం తోటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికలు గెలుచుకున్న తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ రకమైనటువంటి పాలనని భారతదేశానికి అందిస్తారు అనేటువంటి ఒక ఒక అనుమానం ఒక ఆందోళన అందరి మనసులో ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం అయితే ఇవాల నేను తెలియజేస్తున్నాను మీ ద్వారా ఈ సభాముఖం ద్వారా ఖచ్చితంగా ప్రజలు మెచ్చేటువంటి ఒక పాలనని భారతదేశానికి అందిస్తాం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను आपकी ये भावनाएं आपका ये उत्साह आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा,
हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल। राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। इस योजना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35 हजार करोड़ रुपए ये हमारे फौजी परिवारों को वितरित कर चुकी है। साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है।
आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है, जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं,